अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अबू बकर सदीक है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दुबई स्काई। मेरी तरफ़ से तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। आज जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन है और इंशाल्लाह जुमे के दिन के साथ साथ मैं आपको आज बहुत ही अच्छी अपडेट और बहुत ही खुशखबरी वाली अपडेट शेयर करने लगा हूँ कि सऊदी हुकूमत ने पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदीया फ्लाइट्स ऑपरेशन बहाल कर दिया है। ये कल रात ही अपडेट आई थी तो मैंने चाहा चले मैं अपने दोस्तों से शेयर ही कर दूं। मेरे जो दोस्त पाकिस्तान से पहले सऊदीया जाना चाहते थे और जो चले गए हैं उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। पहले वो पाकिस्तान से दुबई और दुबई से फिर सऊदीया, या पाकिस्तान से श्रीलंका या श्रीलंका से सऊदीया ट्रैवल करते थे, लेकिन अब सऊदी हुकूमत ने उनका मसला बिल्कुल क्लियर कर दिया है और पाकिस्तान से डायरेक्ट आप सऊदीया ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक शर्त ये रखी गई है कि मेरे जिन दोस्तों ने पाकिस्तान से डायरेक्ट सऊदीया ट्रैवल करना है उनको 5 दिन का करंटीना करना पड़ेगा दमाम, जद्दा या रियाज में। तो दोस्तों, दूसरी अपडेट ये है कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरे जिन दोस्तों ने दुबई विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करना है वो जल्दी से जल्दी अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें ताकि आपका विज़िट वीज़ा दिसंबर से पहले पहले इशू हो जाए। तो जो दोस्त इस वेट में है कि हम दिसंबर में अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे और हम हैप्पी न्यू ईयर जो है देखने के लिए 1 जनवरी तक हम इंशाल्लाह दुबई चले जाएंगे, तो वो बहुत जो है ना उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आपको ये बता चुका हूँ और बता भी रहा हूँ कि आप अभी से विज़िट वीज़ा अप्लाई कर लें ताकि आपका विज़िट वीज़ा इशू हो जाए और आप बाद में टिकट चाहे 28 दिसंबर की 29 दिसंबर की करवा के आप बआसानी दुबई के लिए ट्रैवल कर सकते हैं।